तो यार एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहा था, और तभी वो मुझे बोलता है ये देखिए एक चैनल है जिसको वेरिफिकेशन का मार्क मिला। तो मैंने बोला हाँ भाई होगा कोई चैनल जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। तो वो बोला नहीं इसके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो मैंने बोला इसको वेरिफिकेशन कैसे मिली, कहता पता नहीं। मैंने बोला कितने सब्सक्राइबर्स है, कहता ये देख। ये देखने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर बाद में मैंने अपना दिमाग जोड़ाया, तुम्हें पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा था फिर? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। तो भाई मैंने उससे पूछा कि यूट्यूबिंग के अलावा और क्या काम करते, तो उसने मुझे बोला यार ये यूट्यूब में लगा है। तो यार सीधा शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। तो यार जब पबजी जो सबसे पहले लॉन्च हुई थी वो चाइना में ही हुई थी। तो यार जब वो चाइना में लॉन्च हुई ना तब वो अंडर डेवलपमेंट थी, जिसकी वजह से उसके अंदर इन ऐप परचेज का सिस्टम नहीं था। तो यार इसी के चलते चलते वो स्किन्स फ्री में भी मिल जाती थी उनको। तो यार अब क्या हुआ, जो पबजी अब वो वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होगी, अब उसके रिलीज़ होने के बाद उसमें इन ऐप परचेज भी आ गया। और जब ये खबर पहले की एडिक्शन हो रही है, तो यार इसी को देखते हुए चाइना की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, जिसकी वजह से उनको इन ऐप परचेज भी हटाना पड़ा, जिसके चलते उनको कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि चलो पबजी को शट डाउन ही कर देते हैं और एक नई गेम बनाते हैं। तो उन्होंने पबजी को चाइना में कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया और एक नई गेम निकाली जिसका नाम है गेम ऑफ पीस। तो यार जो तुम अभी गेम प्ले देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन पे, ये उसी गेम का है। तो यार अब तुम मुझे पूछोगे तो यार गेम तो सेम ही लग रही है, बस कुछ चीज़ें अलग है। इसके अंदर कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग है। जैसे इसके अंदर थोड़ा फ्रेंडली सा सिस्टम है, अगर तुम किसी भी एनिमी को किल करते हो तो वो तुमको एक बाय दे के जाएगा, जो कि मतलब थोड़ा कार्टूनिश टाइप का लगता है। और अगर तुम इसके अंदर स्किन्स वगैरह तुम ये सब देखोगे तो वो भी तुम्हें थोड़ी बहुत कार्टूनिश टाइप की ही लगेंगी, जिसकी वजह से चाइना गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया और अब चाइना के लोग इसे खेल रहे हैं, तो इसकी वजह से उनको प्रॉफिट भी हो रहा है। अब इसी के चलते चले उन्होंने सोचा चलो ये गेम ही चल गई है तो चाइना में इसी गेम को रखते हैं। फिलहाल अभी ये गेम कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल है। अगर तुम्हें ये गेम खेलनी है तो तुम रैबिट ऐप डाउनलोड करके VPN लगा के ये गेम खेल सकते हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ ये गेम पूरे पबजी की तरह ही है, जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो थोड़ा गेम प्ले अलग है, थोड़ी कार्टूनिश टाइप की तुम्हें एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। बैटल रॉयल मोड है, और जहाँ तक TDM की बात है मैं श्योर नहीं हूँ कि इसके अंदर है कि नहीं। वैसे अगर तुम्हें इंटरेस्ट है खेलने में तो तुम चाइना का VPN लगा के इसे खेल सकते हो। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। तो यार अब मिलते हैं अगली वीडियो में।